खाना आ गया, खाना आ गया। ये मैं प्याज वाली कचौड़ी बना रही हूँ, पास्ता कचौड़ी। तब तक मैं आलू की सब्जी बनाना आप लोग को बताती हूँ। धूप कितनी कड़ी है कि जब बारिश होती है तो तुमको ये होता है कि आप देखिए बारिश हो रही है, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, धूप है तो फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम। हाँ, भगवान को किसी भी तरह से चैन नहीं लेने दोगे क्या तुम लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। आज फिर शगुन डाउन चल रही है। हमें तो कभी कभी लगता है ना कि मैं पूजा कर रही हूँ या खाना खा रही हूँ, उसी टाइम बोले कि चलो भागो 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 हॉस्पिटल चलो। वो आउच में लगी है, सो गई। शगुन शगुन क्या हुआ? ऊपर हाय करो, हाय करो, ऐसे हाय करो, हाय ज़्यादा यहीं बैठी रहेगी एकदम। फिर पैर मोड़ ली, पैर मत मोड़ो, जाएगी नहीं कहीं। अब वो आउट हो रहा है तो फिर कैसे जाएगी? क्या हो रहा है? अपने फैमिली से बोलो क्या हो रहा है। मैं इंटरव्यू दे रही हूँ सामने, मुझे दर्द हो रहा है, मैं इंटरव्यू दूँ, दर्द हो रहा है बहुत। तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अगर मैं मजाक करती हूँ इसलिए कि थोड़ा सा इसका दर्द बटे, कान बटे। बेवकूफ है ना, ज्यादा चलती है तो बेवकूफी करती है ना हमसे भी। इतना ज्यादा चलने की जरूरत क्या है? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मम्मी तो बीट कर देंगी लग रहा है, अच्छे मतलब उनको। हाँ नहीं, कोशिश करेंगे। नहीं, जो आप जैसे बनाते हैं हमारा तो देसी तरीका है। जैसे ही मैं हूँ वैसे ही रहूंगी। नहीं वैसे भी हमारा फैमिली ब्लॉग है। हाँ। खाना पीना अच्छा लगता है आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर देते हैं। नया नया चीज रहता है इसलिए शेयर करती हूँ मैं। नया नहीं है, नया ये तो बहुत पुराना है, 2-3 साल पुराना है। जब मेरा कैटरिंग था तो उसमें भी ये मैं बोली थी ना कि मैं जो भी कैटरिंग में बनाती थी, जो मेरा फेमस था उसमें, वो धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगी, खिलाऊंगी, मैंने खाऊंगी तो आप लोग भी खा लोगे। नहीं जो आएंगे घर पे उनको खिला भी देंगे, एकदम जल्दी बन जाता है। कल का भी छोले कुलचे कोई भी गेस्ट आया 5 मिनट में बन जाएगा आराम से। अच्छा ये मैं पहले आटा मोइन करने के लिए सबसे पहले तो आटा ले लिए हम, आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा है, हम लोग 5-6 जन है तो काफी है। ये अजवाइन डाल दिए, अजवाइन थोड़ा सा ऐसे मैश के डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्का सा डालेंगे क्योंकि हमारे प्याज में भी नमक रहेगा, इतना सा डालेंगे थोड़ा सा एकदम। ये आटा और अजवाइन ये सब मिला देंगे थोड़ा सा। अजवाइन वैसे खाने में भी अच्छा रहेगा, पेट भी ठंडा रखेगा। और ये रिफाइंड डालूंगी मैं थोड़ा सा मोइन के लिए। अब ये डिपार्टमेंट आपको पता ही है किसका है। सिन्हा जी, सिन्हा जी हाजिर हो। ऐसे मैंने डैडी से एक चीज सीखा है, 3 चीज हमेशा तैयार रखने के लिए बिना पानी के, वो दवाई हमेशा देते रहने का, लेने का नहीं देने का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुबह एक थैंक यू, दोपहर एक थैंक यू और शाम में एक थैंक यू देते रहिए, सुखी जीवन बीतेगा। अच्छा चलिए ये देखिए मोहतरमा आदेश। सुनो ओ सॉरी, ओ हाँ थैंक यू नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी आई चेंज माय टॉपिक, आई एम सॉरी। सुनो ये तो स्टफिंग के लिए मतलब कि मैं आटा तैयार कर रही हूँ जो कि उसमें डलेगा। ये मैं प्याज वाली कचौड़ी बना रही हूँ, खास्ता कचौड़ी, प्याज वाली खास्ता कचौड़ी बना रही हूँ। ये चीज है, ये देखिए सब इसमें प्याज है कटा हुआ बारीक, आलू, एक आलू बॉईल किया हुआ, इतना बड़ा आलू था मीडियम साइज का, धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्ची, अदरक, जीरा और थोड़ा सा खटाई। ये हुआ आमचूर, आमचूर हाँ, ये बेसन थोड़ा सा, और ये है हमारा थोड़ा सा हल्का सा गर्म मसाला जो मैं बनाई हुई हूँ, हल्का सा इसमें क्योंकि इसमें बनाई हुई हूँ। क्या मतलब क्या है कि इसमें काली मिर्च कम है, लौंग कम है, ये सब चीज है तो। और ये नमक हो गया हमारा, इसमें मेन चीज क्या है, ये शहद, ये शहद भी पड़ेगा। और ये सिन्हा जी के हवाले हो रहे साथियों, अब तुम्हारे हवाले आटा सिन्हा जी सान दो, आगे नहीं आता बोलने। अब मैं शुरुआत करती हूँ और इसके साथ मैं बनाऊंगी आलू और टमाटर का ग्रेवी वाला सब्जी, और दही रहेगा साथ में जो कि मुझे पसंद है। तो अब चलते हैं बच्चा। क्या यही सानिएगा कोठाए जाबो आमी कोई बात नहीं आमी तो माको भालो आछो आछो नहीं आता हमें भाई की डैडी सॉरी बोलछी ना ना आमी बोललाम ने आमी तुमको भालोवासी अच्छा वासी। तो भाई अब मैं आ जाऊं अपने जगह। जब भी कुछ बनाती हैं ये भाई की आटा सामने लगते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा टेबल स्पून से, अब वही चीज है कि मुझे अंदाज है आप लोग टेबल स्पून से ज्यादा तेल नहीं डालनी है, डेढ़ से दो टेबल स्पून, जो कि मेरा प्याज भून जाए। पहले डालेंगे जीरा, जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा, फिर डालेंगे अदरक, फिर डालेंगे लहसुन का पेस्ट और ये हरी मिर्च। जीरा को मैं ज्यादा देर तक नहीं भूनूंगी, ये बाद में पड़ेगा मेरा। अमचूर, धनिया पत्ती बाद में पड़ेगा, आलू भी बाद में पड़ेगा। तो अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। प्याज मेरा मोटे मोटे 5 प्याज थे, इसको भूनेंगे। थोड़ा सा गोल्डन होगा तो सब सामान सब पड़ेगा। अभी नमक भी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डाल देंगे तो ज़्यादा पानी छोड़ देगा। ये अपने हिसाब से पानी को छोड़ेगा, मीन्स कि सूखेगा, सॉरी छोड़ेगा नहीं, सूखेगा, पानी सूखेगा। उसके बाद नमक डालेंगे तो जो भी पानी होगा तो मेरा आलू ऑब्जर्व करेगा, बेसन करेगा उस पानी से, तो इसलिए वो मिठास आएगी प्याज में, क्योंकि प्याज वाली कचौरी बना रही हूँ मैं। For the first time in history, डैडी बिना जीभ निकाले हुए कोई काम कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, कैमरा उठाओगे ना? हाँ। अच्छा ये मतलब शैडो हो गए हैं। हाँ। मतलब शैडो की तरह हो गए हैं। सॉरी। नहीं उसमें शैडो भी करती है ना, जैसे कैमरा उठाओ तो नाटक करना बंद कर देती है। पानी ये निकल रहा है ना, विदाउट नमक ये निकल रहा है, नमक डालते तो और पानी छोड़ते। ये चलाते रहेंगे, चला के छोड़ते रहेंगे। तेज आंच पे ही अभी भूनेंगे थोड़ा सा, जब तक पानी निकल रहा है इसका। उसके बाद मीडियम कर देंगे क्योंकि प्याज मेरा जलना नहीं चाहिए, प्याज गोल्डन होगा, जलना नहीं चाहिए। और इसको आप घी में भी बना सकते हैं लेकिन काफ़ी हैवी हो जाता है, इसलिए मैं घी में नहीं बना रही हूँ। आप रिफाइंड में बनाओ, सरसों तेल में बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। एक मैं बेस्ट सॉल्यूशन आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग के घर मेहमान आए हैं और आप लोग को ज़्यादा बनाने का नहीं मन है, घी में बनाइए, मेहमान कम खाएंगे, अच्छा से खाएंगे, स्वादिष्ट होता है। तो इसलिए मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, आई एम सॉरी। कल बटर में पूरा बना था, मुझे मिला दो ही, बहुत टेस्टी था। आज सुबह कौन खाया? वो सुबह मिला ना, कल तो नहीं मिला। और एक बात मैं अपने फैमिली से बोलना चाहता हूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 5 नहीं 10 वाला काम है, आज का टेस्ट है 10 रुपए वाला है। मैंने इनको अपने प्रॉमिस के हिसाब से दे दिए, सुबह 10 रुपए का। और लकली वो पैसा नहीं रखी हूँ मैं, शायद तुमको दिए तो नहीं। हाँ वो इतना अच्छा है, 22D है, एम रहता तो बहुत अच्छा रहता, 22D है, कोई बात नहीं दिसंबर। अरे हाँ, बर्थडे से याद आया, किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी और का भी बर्थडे आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। हाँ मम्मा, शगुन का 7 सितंबर को बर्थडे है, तो तैयार रहिएगा एक और पार्टी के लिए। पता नहीं कहाँ होगी, क्या पता हॉस्पिटल में हो, क्या पता पार्क में हो, क्या पता घर में हो, कहाँ हो, कुछ नहीं कह सकते। वैसे मैंने ये कहा था कि हमारे ब्लॉग पे भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो वो शगुन के लिए गिफ्ट ही हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। हम कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं उसमें कि जो आप लोग को अच्छा भी लगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं वो ट्रैवलिंग ब्लॉग है ना, मैं चाहता हूँ कि ट्रैवल वाले लोग देखने आए, फैमिली ब्लॉग देखेंगे। तो अभी शगुन उतना ये एक्टिव नहीं है, इस कारण से अभी शगुन कछुआ बनी हुई है। तो ये देखिए अब हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो रहा है, गोल्डन मैंने हो रहा है, गोल्डन ब्राउन नहीं, गोल्डन हो रहा है। अब इसमें ये मीडियम कर देंगे और मीडियम पे ही बनाएंगे इसको, क्योंकि ये मीठापन रहेगा, इसका प्याज का मीठापन रहेगा। तो थोड़ा सा भी जल जाएगा ना तो फिर वो जलने की बू आती है। हाँ थोड़ा थोड़ा। तो अभी क्वालिटी चेक हो रहा है, मैनेजर संतुष्ट नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल में हाँ क्यूसी मैनेजर जो है वो अभी संतुष्ट नहीं हुए आपसे, आपके काम से। आज फिर एप्रन नहीं पहने हैं, सॉरी गर्मी आज बहुत है फिर, और ये क्वार्टर पहनी हूँ तो इसलिए ना। आज एक्चुअली बारिश हुई है ना, बारिश हुई है और बहुत गर्मी है यहाँ। अब देखिए ये एकदम सूख गया है, एकदम पानी नहीं है इसमें, पूरा सूख गया है, दाबने पे भी पानी नहीं निकलेगा, एकदम सूख गया, तेल छोड़ रहा है ये। जब तेल छोड़ने लगे ना तो फिर हम इसमें अब नमक डालेंगे। नमक इतना 1 चम्मच, ज्यादा नमक फिर मीठापन इसका मार देता है। और इसमें इस टेबल स्पून नहीं, मसाले वाला जो स्पून है मेरा उससे ऐसे भर के डालेंगे। गरम मसाला है बस, अब इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ये माने मसाले में और कुछ नहीं डालेंगे, कोई मिर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आलू है मेरा, ये आलू डालूंगी मैं थोड़ा सा, इसलिए आलू डालेंगे कि थोड़ा सा बाइंड हो जाए। और इसको चलाएंगे, मिलाएंगे पहले। ये आलू सब जो है ना इसको पूरा से अच्छा से मैश देंगे। वो तीखी वाली मिर्ची नहीं डाल के मैं ये कस्तूरी लाल डालेंगे, मेथी क्या कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी कस्तूरी करें सॉरी, कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए। देगी मिर्च भी डाल सकते, नहीं देगी मिर्च तीखा होता है, सही तीखा और सही लाल होता है, ऐड करती है। और ये है अमचूर, हल्का सा थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा ये लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले इसको मिलाएंगे। मसाले चाहे तो हम एक ही साथ डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि रुक रुक के डालने पे हमारा जो हमारा आलू प्याज ये सब जो है ना वो बार बार डालने पे, बार बार भूनेंगे तो मेरा ज्यादा भून जाएगा और अच्छा से भूनेगा, तो इससे अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आता है और हर चीज का स्वाद अलग अलग रहेगा। थोड़ा सा खट्टा लगेगा, थोड़ा सा मीठा लगेगा। हरा हो गया है, अब इसमें डालने का मेन क्या है, 2 चीज है मेन। एक है बेसन, हालांकि ये मेरा हो चुका है लेकिन बेसन का थोड़ा थोड़ा बेसन का भी स्वाद आएगा, तो बेसन हम एकदम इतना सा डालेंगे, ये बस और कुछ नहीं। बेसन डाल दिए, उसके बाद ये शहद है, शहद डालेंगे। शहद इस स्पून से 1। अब इसको मिला देंगे, थोड़ा देर इसको भूनेंगे, जो कि हम बेसन जो डाले हैं ना वो बेसन हमारा पूरे आलू और प्याज में मिल जाए। ये देखो कितना अच्छा से तेल छोड़ दिया इसका, अब एकदम नहीं चिपकेगा इसमें, क्योंकि मैं वही 2 टेबल स्पून तेल डाली थी। अगर मैं इसको तेज आंच पे बनाती तो जल जाता और ये कलर नहीं आता। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करूंगी, तब तक मैं आलू की सब्जी बनाना आप लोग को बताती हूँ, जब तक ये ठंडा होगा। तो ठंडा क्यों करेंगे, क्योंकि ये गरम गरम आटे में डालेंगे ना तो वो फट जाएगा, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। या तो आप इसको फ्रीजर में ले जाके रख दो या ऐसे ही ठंडा पंखा में रख के ठंडा कर लो, फिर कचौड़ी बनाओ, फिर अच्छा बनता है और खासा कचौड़ी बनता है। कढ़ाई चढ़ा दी है, वही सरसों तेल में मैं बना रही हूँ, वही चीज है 2-2.5 स्पून सरसों तेल डाल दिए। और इसमें मेथी नहीं, पचफोरना का ये जो चीज है मेरा पचफोरना, इसका तड़का डालूंगी। पचफोरना चटक गया तो इसमें मैं टमाटर को कट करके रखी हूँ वो डालूंगी। स्टीम कर देंगे एकदम, क्योंकि मसाला नीचे जल जाएगा। इसी वक्त मैं सब मसाले डालूंगी। ये नमक डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ये मिर्ची 1 चम्मच है, और थोड़ा सा ये गरम मसाला। इसमें मैं कुछ नहीं डालती, सिर्फ इतना ही डालती हूँ। और इसको चलाएंगे। और इसमें अब डालेंगे लहसुन, 1.5 चम्मच लहसुन डालेंगे। अब ये भूनेंगे, जब तक भूनेंगे कि तेल जब तक ना छोड़ दे, तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे। दिया है और कितना अच्छा कलर आ गया है ये इसमें मसाले में मुझे। तो अब इसमें मैं आलू डालूंगी। आलू पहले से बॉईल कर ली थी और उसको कट करके अब इसमें एकदम मसाला कम है, इसका मसाला कुछ नहीं है इसमें। इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे ताकि हमारा ग्रेवी अच्छा मोटा ग्रेवी हो जाए। ये हो गया सब्जी, मेरा मसाला भुन गया है क्योंकि मसाला कुछ ऐसा तो डाले नहीं थे, लहसुन था ये सब था तो वो हो गया। बहुत जल्दी मसाला ये भुन जाता है। अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी और पानी पूरे से डालूंगी क्योंकि आलू है मेरा, आलू काफी ग्रेवी पानी बहुत ये करता है, सोखता है। अब इसको ढक देंगे और दो उबाल आएगा जब तो जाके बंद कर देंगे। फिर इसमें तड़का डालेंगे, घी और कश्मीरी लाल का ये और हींग का। सब्जी हो चुकी है, अभी देखिए ये हो गया है पूरा अच्छा से, एकदम ग्रेवी है पूरे क्योंकि ग्रेवी उसके साथ ग्रेवी चाहिए। और ये थोड़ा देर छोड़ देंगे तो जम जाता है ग्रेवी। अब इसको उतार दूंगी मैं इस साइड में। कलछुल ये डालूंगी तड़के के लिए, मीडियम पे ही रखेंगे। ये घी डालेंगे इसमें, इससे 3-4 स्पून डालेंगे। ये इतना सा हींग, 1 चुटकी हींग ये डाल दूंगी मैं। और ये है कश्मीरी मिर्च, वो डालूंगी। घी में तड़का देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट, आपको लगेगा कि घी में ही बना है सब्जी। ज़्यादा इसको लाल नहीं करेंगे। ये तड़का डाल, बस ये तैयार हो गया सब्जी। अब ये ठंडा हो गया है एकदम, तब इसमें धनिया पत्ती मिलाएंगे। ये एकदम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती है ताकि इसका महक पूरा अच्छा से रहे इसके अंदर। और वो सब्जी मेरा ठंडा हो जाएगा तो उसमें धनिया पत्ती थोड़ा सा एकदम मसल के फिर डालेंगे। तो अब चलिए कचौड़ी बनाते हैं प्याज वाली। इतना बड़ा बड़ा लोई बनाएंगे और इस तरह से कटोरी जैसा बना के इसमें स्टफ करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये इतना नाजुक होता है कि थोड़ा सा भी तेज दबेगा, ये जैसे मैं बनाई हूँ ना, थोड़ा सा भी तेज दबाऊंगी तो ये फूट जाएगा। अब ये तेल गरम हो गया है हमारा, ऐसे में इसको बना के रख देना है, थोड़ा देर के लिए रख दो, उसके बाद फिर बनाओ तो वो फूटता नहीं है। जैसे ये हो गया, हम आटा नहीं लगाएंगे, मैदा लगाएंगे, आटा नहीं लगाएंगे। और इसको बस तीन उंगल से ऐसे बेलना में रखी हूँ, लेकिन बेलना से फूट जाएगा। और इसको धीरे धीरे दबाएंगे, धीरे धीरे पुश करेंगे ताकि चारों तरफ चला जाए। धीरे धीरे ऐसे चारों तरफ से ऐसे करते जाएंगे, गोल गोल होते जाएगा। और हमारे बेलना जैसे बेलना से बेलते हैं ना, उस तरह से हो जाएगा और पतला रहेगा ये। और फिर ऐसे उठा के बराबर से कर देंगे। अब ये थोड़ा देर हो गया है तो इसको मैं डालती हूँ। मीडियम पे बनाएंगे, ज्यादा तेज पे नहीं, ज्यादा कम पे नहीं। खाना आ गया। हाँ। खाना आ गया। हाय न्यूज देख लीजिए, लेट के आराम से न्यूज सुना जा रहा है। एक बार भी झांकने नहीं आए। शैडो भी आगे बोलने के लिए। हम जब टेस्ट करवा ही दिए थे, आटा चेक करवा दिए थे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर से। नहीं आज खा के देखो और बताओ कितना पैसा दोगे। ये प्लेट पेट भरा हुआ है। जब मैं कैटरिंग चलाती थी तो ये 4 कचौड़ी और इससे थोड़ा बड़ा रहता था, और वो सब्जी भी थोड़ा सा ज्यादा रहता था, और कोई प्याज नहीं, कुछ नहीं। 50 रुपीज में कैसा बना है? अब पहले खाइए कैसा बना है। कैसा बना है क्यों हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपसे पहले ऐसा नहीं बना। नहीं यार, 26 रहता तो अच्छा लगता। तो बताइए डैडी, ये सही तीखा सही लाल है कि नहीं? नो ब्रांडिंग। यस। नहीं तो इस 10 रुपए के साथ, इनाम के साथ, आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, मुझे तो कचौड़ी पसंद आ रही है, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिटायर्ड कपल। बाय बाय, जरूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। कैमरे के पीछे से कचौड़ी बना के खाइएगा जरूर, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ना बना पाए तो आइएगा जरूर। अरे भाई बस कीजिए, डैडी को चैन से खाने दीजिए, चौथी पूरी खत्म होने वाली है। मेरा जो